लुधियाना की छतों पर ड्रोन का पहरा वीडियो। चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों की पहचान करके दर्ज किया जाएगा इरादा एक कत्ल का मामला। पंजाब के लुधियाना में अब घर की छतों पर ड्रोन का सख्त पहरा रहेगा। समराला में पुलिस ने चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों की पहचान करने का और वीडियोग्राफी करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों की देखरेख में ड्रोन उड़ाया जा रहा है। ड्रोन की मदद से कई गाँव और कस्बों में जो युवक घर की छतों पर चाइना डोर से पतंगबाजी कर रहे हैं उनकी पहचान इससे आसानी से हो जाएगी। आरोपियों की पहचान करके पुलिस उनके खिलाफ इरादाए कत्ल का मामला दर्ज करेगी। यह ड्रोन रात के समय भी उड़ेगा। सोमवार को समराला के एसीपी वरियाम सिंह की देखरेख में ड्रोन उड़ाया गया। अधिकारियों के मुताबिक ड्रोन रोजाना बसंत पंचमी तक उड़ेगा। लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है कि चाइना डोर का इस्तेमाल ना करें। यदि कोई भी व्यक्ति ड्रोन में चाइना डोर से पतंगबाजी करता पकड़ा गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि 10 दिन पहले हरजीत सिंह नामक 4 साल का समराला का बच्चा इस कातिल डोर की चपेट में आ गया था। बच्चे के चेहरे पर 120 टाके लगे थे। बच्चे के चेहरे की सर्जरी करवानी पड़ी थी। बच्चा कई दिन डीएमसी अस्पताल में दाखिल रहा। इस मामले के बाद ही पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।